अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो नमाज़ हो गई है हमारी और अब हम फातिह के लिए चोंगे बना रहे हैं। तो देखें आप लोग, और ये हम आटा गूंथते हैं जब तक हमने ये पानी गर्म रख दिए हैं चाशनी के लिए, और इलायची पाउडर डाल दिया है, और ये शक्कर है तो शक्कर डाल देते हैं। आटा गूंदेंगे जब तक हमारे ये चाशनी भी तैयार हो जाएगी। तो इसमें कम से कम आधा किलो पानी होगा और ये आधा किलो के करीब ही शक्कर है। तो हमें चाशनी चिकटी मतलब तार वाली चाशनी नहीं बनाना है, बस एक गाढ़ी चाशनी बनाना है। ठीक है, हम इसका आटा बना लेते हैं। ये देखिए, हमने आटा लगा लिए हैं। तो आटा हमने दो तरह का लगाए हैं, एक तो ये मैदा का आटा है जो कि बहुत हमने चिकना नहीं करी है, देखिए थोड़ा रफ़ रफ़ है, तो ये बहुत सही रहेगा, जो कि तलने में आसानी रहेगी जो भी चीज़ बनेगी तो। और ये हमारा गेहूं का आटा है जो नॉर्मल रोटी का आटा है। तो जो ट्रेडिशनल है, फातिया दिलती आ रही है हमारे यहाँ पर, तो वो ये है आटा, गेहूँ के आटे से बनाते हैं, रोटी टाइप से बनाते हैं घी लगा कर। और ये है ड्राई फ्रूट, में हम बहुत सारे ड्राई फ्रूट ले सकते हैं लेकिन मेरे पास नहीं था, तो ये है बादाम और नारियल लिए हैं हमने, बारीक बारीक काट लिए हैं, और ये शक्कर है। तो हम नॉर्मल जो है गेहूं का आटा, उसको हम रोटी की तरह बनाएंगे, और जब रोटी बन जाएगी तो घी लगाकर उस पर हम ये जो भी ड्राई फ्रूट हैं वो शक्कर डालकर बनाते हैं। तो ये हमारा ट्रेडिशनल चोंगा है जिस पर हम फातिह देते हैं, लेकिन हमने नई रेसिपी सीखे हैं मैदे की यूट्यूब से, तो वो भी हम बनाएंगे। तो भाई त्यौहार है तो हम वो भी रख देंगे, काफ़ी लोग मैदे का बनाते हैं, तो वो भी एक मिठाई हो जाएगी, बच्चे खाएंगे। और चाशनी बन गई है हमारी, तो अभी इसको तो हम फ्राई करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये जो गेहूं का आटा है उसका बना लेते हैं, और इसको हम मैदे वाला बाद में बनाएंगे। ये रोटी बन गई, रोटी पर हम घी लगाएंगे। ये शक्कर डाल दिए हैं, और ये ड्राई फ्रूट जो भी हैं हमारे उनको डाल देंगे। तो ये हो गया चोंगा, जो कि हमारा ट्रेडिशनल डिश है चोंगा, और मैदे की हम बाद में बनाएंगे। ये देखें, हमने ये मैदे का दो लोई निकाल लिए हैं बड़ी बड़ी, और चाशनी बन गई है, और ये ऑयल रख दिया हमने गर्म होने के लिए, तो अभी मीडियम आंच पर रखा है, हम जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं। तो ये बड़ी रोटी बना, इसकी हम बड़ी रोटी बनाएंगे। ये बड़ी रोटी बना ली है हमने, अब इसमें घी लगा देंगे। घी लगा दिया है अच्छे से, और अब इसको हम फोल्ड करेंगे साथ में सूखे आटे के साथ। और इसे हम अब काट लेंगे।
ये देखें कैसी परत दिख रही है ना, तो ये इस तरह से ये जो परत दिख रही है तो इसको हम बस इस तरह दबा देंगे, ये इस तरह से दबाएंगे और इन्हें हल्का हल्का बेलेंगे। और तेल हमारा गर्म हो गया है, थोड़ा सूखा आटा लगाकर ये परतें दिख रही हैं, बस इन्हें अब हम गर्म ऑयल में डाल देंगे। मैदे का आटा हमने बनाया था, घी का मोयन दिया था और नमक डाला था अंदाज से, जैसे हम रोटी के आटे में डालते हैं नमक उस हिसाब से मैदे में नमक डाले थे। और जो कि हमारा वीडियो मिस हो गया था शुरू में, बस थोड़ा हल्का कलर और आ जाए इनमें फिर इनको हम चाशनी में डाल देंगे। ये भी इतने तैयार हो गए हैं, बस अब हम फातिये दे देते हैं नहीं तो असर की अजान हो जाएगी। और बाकी आटे का अब हम बाद में बनाएंगे। और ये सब तैयार हो गया है फातिये का, फातिये का सारा सामान तैयार हो गया है, तो बस अब हम फातिये दे देते हैं क्योंकि 4:30 बज रहा, फिर असर का टाइम हो जाएगा। तो देखें आप लोग, ये देखिए इस तरह से ये फातिये के लिए निकाल दिया है। ये न्यू तरीके चोंगे हैं, ये हमारे पुराने ट्रेडिशनल टाइप का चोंगा, और ये इनको रोट कहते हैं जो कि बेकरी में बनवाते हैं या फिर मार्केट से रेडीमेड लेते हैं। ये बिस्किट टाइप के होते हैं ये रोट, और ये इलायची का शरबत है। तो हमने शरबत पे तो फातिये दे दी थी लेकिन आज, और पानी रखते हैं साथ में, लेकिन हमने कहा शरबत बना लेते हैं। तो ये फातिये का सामान है।